हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। आप लोगों ने ऑसमो स्पीक्स का इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। तो इसलिए सोचा कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। बाकी जो हमारी कॉमेडी की वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। आपके लिए न्यूज है कि द इडियट्स के साथ हमने एक वीडियो बनाई है जो कि हमारी कल रिलीज होगी। अच्छा, तो बात करते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की। तो दोस्तों, वो वक्त तो आपको याद होगा जब मोटी सी आंटियां फसलों पे इस तरह नाचती थी कि फसल के दोबारा उगने की हजार सदी में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। फसलों के लिए एक सैड सा म्यूजिक लगा दिया जाए। फिर जब मोटी आंटियां कंट्रोल से बाहर जाने लगी और आवाम में हवस की बीमारी यानी कि हवासीर के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इन चीजों को बंद करना पड़ा। काफी सिनेमा शॉपिंग सेंटर वगैरह में तब्दील हो गए। फिर 2007 में एक मसीहा नुमा शख्स शोएब मंसूर आए और खुदा के लिए जैसी क्लासी मूवी बना के गेम एंड कर डाली। फिर तो क्लासी मूवीज एक के बाद एक आने लगी, लेकिन भूख खाने की हुई हवस की मिटती नहीं है, दोबारा लग जाती है। फिर हमारे फिल्म मेकर्स को एक आइडिया कि क्यों ना इस भागरतपने को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए आइटम सॉन्ग्स के जरिए। अब आइटम सॉन्ग्स का सीन सिंपल होता है कि यार, एक बंदी वहियात किस्म का डांस करेगी और दुनिया भर के लेवल के छिछोरे वहां पे इकट्ठे होकर सीटियां बजाएंगे। फिर जब हमारे फिल्म मेकर्स ने देखा कि शीला, मुन्नी, लैला जैसे आइटम सॉन्ग्स अपनी मूवी का ट्रेडमार्क बन जाते हैं, तो क्यों ना ये भागरतपना हम भी करें। अब लैला आइटम सॉन्ग के 165 मिलियन व्यूज हैं, और क्यों ना हो भाई, वो सनी लियोनी है यार। वो अगर 6 सेकंड की वीडियो जिसमें वो टिश्यू पेपर से नाक साफ करके फेंक दे तो उस पे 150 मिलियन व्यूज आएंगे और उस टिश्यू पेपर की नीलामी होगी जहां पे कोई बलहम तबीयत सनी लियोनी का फैन 2 करोड़ रुपए में उसको खरीद लेगा। तो हमारी इंडस्ट्री को उनको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, क्या क्या टूटी फूटी, हमारी किस्मत टूटी फूटी है कि हमारे मुल्क में ऐसे गाने बन रहे। और जिस मुल्क में रंग काला होने की वजह से फुफ्फो के बेटे का भी रिश्ता नहीं आता, उस मुल्क के गानों में ये फेयर एंड लवली का ब्रांड भी घुसेड़ दो। पहले कितने अच्छे गाने बनते थे यार। अब ये देखो, मुझे कहते हैं बिल्ली, नाइस मीटिंग यू, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। क्या ड्रामा है मातर पितर। तो मतलब बॉलीवुड को कॉपी करना है भाई, क्यों कॉपी करना है। यहाँ पे तो मुझे अपने टीचर की वो लेम मिसाल याद आ गई जिसपे मैं कुत्तों की तरह हंसता था नंबर लेने के लिए। और भाई क्यों ना हंसता, सीधी बात है, पता है, आज के दौर में जो उठा नहीं पाता उसका कैरियर उठ नहीं पाता। कमाल यार, मुझे रख लो मूवीज में डायलॉग लिखने के लिए, मुझे रख लो। खैर, मिसाल इतनी लेम है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वो खड्डे में गिरेगा तो क्या तू भी खड्डे में गिरेगा। लेकिन इस केस में खड्डे में सिर्फ हम गिर रहे हैं, बॉलीवुड नहीं गिर रहा भाई। ये तो उसका स्टाइल है, उसकी स्पेशलिटी है, उसको करने दो। जमीन पे इस तरह लाते मारना कि मीलों दूर जलजले आ जाएं, सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट परेशान हो जाएं कि अर्थ बिचारी के साथ हो क्या रहा है। लड़का रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है और लड़की 12 किलोमीटर की वेलोसिटी से आती है और दोनों कोलाइड करते हैं और कुछ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। गीली साड़ी में बारिश में डांस करना, ये सारी चीजें उनकी हैं। तू क्यों कर रहा है ये। तो ओरिजिनलिटी लाओ, सब अपना अपना कुछ लेके आए। उनको देखो, कॉलीवुड टॉलीवुड, वैसे उनका तो अल्लाह ही मालिक है, वो तो केले से मुर्गी से इंसान की जान ले लेते हैं। और भाई हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ, कोई कोरियोग्राफर बाहर से बुला लो यार, इनको डांस सिखा लो। ये क्या है, What is the matter with you? अगर आप भी मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। ये रोस्टिंग सेशन इसलिए शुरू नहीं किया कि बस किसी की भी पकड़ो और उसकी कच्ची करो और व्यूज ले लो, ना जी ना, हम इसके साथ अवेयरनेस भी फैलाएंगे। तो इफ यू सपोर्ट दिस आइडिया, गो सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब।